स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम रुद्रपुर में साथी समूह के सदस्यों ने हर रविवार सरकारी कॉलोनियों में जाकर लोगों को सूखे और गीले कूड़े के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। मुख्य नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट ने बताया कि जैविक कूड़े से जहां खाद बनाई जा रही है तो वहीं अजैविक कूड़े को नगर निगम द्वारा रिसाइकिलिंग के लिए भेज दिया जाता है। कूड़े से बनी खाद को भी लोगों को इन कॉलोनी में ही बांटा जा रहा है ताकि लोग इसका उपयोग अपने घरों के किचन गार्डन में कर सकें। नगर निगम के इस पहल से अब तक 7 क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका है। नगर निगम रुद्रपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी नगर निगम की टीम और हमारी ब्रांड एम्बेसडर नीलम कोहली और इनके सहयोगियों के सहयोग से सरकारी कॉलोनियों में हमने जो पिटे बना रखी हैं उसमें लोगों को इस बात में जागरूक किया जा रहा है कि उनके जो घरों का जैविक अपशिष्ट निकल रहा है उसको वो अलग रखेंगे और जो अजैविक अपशिष्ट है जो ठोस अपशिष्ट है उसको अलग अलग प्रथरण करेंगे और जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट पिट में के अपनी क्यारियों में अपने गमलों में अपने स्वयं के उपयोग में वो यूज में लाएंगे और जो अजैविक अपशिष्ट है उसको नगर निगम के द्वारा इसको 3R के तहत में रिसाइकिल रिड्यूस और रीयूज इस पैटर्न पर काम किया जा रहा है। नगर निगम की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर नीलम कोहली का कहना है कि समूह में शामिल लोगों में काफी उत्साह है। हर रविवार को लोग समूह का हिस्सा बनकर दूसरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। लोगों को स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत लोगों को गीला कूड़ा अलग सूखा कूड़ा अलग करने के लिए बताया जाता है। गीले कूड़े में अंडे के छिलके लहसुन के छिलके प्याज के छिलके चाय पत्ती खाना पीना जो फेंकना चाहते हैं उन चीज़ों को नाली में ना फेंके इधर उधर ढेर ना लगा के उसकी खाद बन सकती है। उसी के तहत हम लोगों को समझा रहे हैं। काफ़ी महिलाएं हमसे जुड़ी है, हमारी टीम है, 10 मेंबर हैं, अलग अलग मोहल्ले में जाके लोगों को बताते हैं और काफ़ी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं।